स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार शर्मा फ्रॉम सोनिया इंटरनेशनल स्कूल। आज हिंदी में मैं आपको लिंग के विषय में बताऊंगा कि लिंग किसे कहते हैं, इसके पहचान क्या है। आज का हमारा टॉपिक होगा लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है पहचान। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान। सभी संज्ञा शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है, जिससे पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का पता चलता है। लिंग की परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता, घोड़ा, घोड़ी, बालक, बालिका, छात्र, छात्रा, सदस्य, सदस्या, प्राचार्य, प्राचार्या। अब ये शब्द आप देख रहे हैं, इन संज्ञा शब्दों से, ये सब संज्ञा शब्द हैं, इन शब्दों से किसी शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है तो किसी से पुरुष जाति का बोध होता है। अब जैसे लड़का, लड़का संज्ञा शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, लड़की शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, माता से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, पिता से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, घोड़ा से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, घोड़ी से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, बालक से पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है और बालिका शब्द से स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। ऐसे ही छात्र से पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है, छात्रा से स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है, सदस्य से पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है, सदस्य शब्द से स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है, प्राचार्य से पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है और प्राचार्य से स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री एवं पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो आपको लिंग की परिभाषा समझ में आ रही होगी कि लिंग किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। लिंग के भेद, हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं। लिंग के दो
दो भेद होते हैं, कौन कौन से दो भेद हैं? पहला है पुल्लिंग, पहला भेद क्या है पुल्लिंग, और दूसरा है स्त्रीलिंग। लिंग के भेद हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद माने जाते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है? जिन संख्या शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध अर्थात पता चलता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन संख्या शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे जैसे लड़का, लड़का शब्द से हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है इसलिए इसे हम पुल्लिंग कहेंगे। पिता पुरुष जाति के होने का बोध होता है, बालक पुरुष जाति के होने का बोध होता है, मोर मोर सबसे पुरुष जाति के होने का बोध होता है, छात्र पुरुष जाति के होने का बोध होता है, प्राचार्य पुरुष जाति के होने का बोध होता है। तो इसके अलावा और भी शब्द हैं जिनसे हमें पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिन संख्या शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पिता, बालक, मोर, छात्र, प्राचार्य, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, कुछ शब्द दिए रहते हैं और कहा जाता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग कीजिए। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होगा वो पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे, आप उनको पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत लिख सकते हैं, लिख देंगे। दूसरा है स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध होता है। उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री के होने का पता चले उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बालिका, छात्रा,
आचार्य मुर्मू आदि। अब आप इन शब्दों को देख रहे हैं, इनसे हमें स्त्री जाति के होने का बोध होता है, जैसे लड़की, बालिका, छात्रा, प्राचार्य, मोहिनी, ये शब्द जितने भी हैं इनसे स्त्री जाति के होने का बोध होता है, अतः ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो वे शब्द जिससे स्त्री जाति के होने का बोध हो पता चले उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। मैंने आपको बताया लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुरुष पुलिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुलिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम पुलिंग कहते हैं, तथा जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन एक समस्या आती है, प्राणीवाचक शब्दों या जंतुओं का पता, उनके लिंग धारण का पता आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन अप्राणीवाचक जिनमें प्राण नहीं होते ऐसे शब्दों के बारे में लिंग धारण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। उसकी कुछ पहचान होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग रूप होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में होते हैं। तो नित्य पुल्लिंग शब्द, वे शब्द जो हमेशा पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, जैसे लोमड़ी, गिलहरी, सॉरी जैसे मच्छर, जैसे मच्छर, गीदड़, भेड़िया, तोता, खटमल, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका स्त्रीलिंग क्या बना सकते हैं आप, मच्छर, मच्छरानी नहीं हो सकता, ये हमेशा गीदड़, गिदड़ानी, भेड़िया, तोता, खटमल, ये हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, हमेशा पुल्लिंग शब्द ही रहता है। इनका प्रयोग करने, इनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए इनके पूर्व हमें मादा शब्द प्रयोग करना पड़ता है। इनके पूर्व हमें मादा शब्द, मादा मच्छर, मादा गीदड़, मादा भेड़िया, मादा तोता, मादा खटमल। तो जो नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए उन शब्दों से पुल्लिंग शब्दों से पूर्व हमें मादा शब्द जोड़ना पड़ता है। ऐसे ही नित्य स्त्रीलिंग शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मक्खी, जैसे मक्खी, लोमड़ी, गिलहरी आदि आदि ऐसे अनेक
जाते हैं, इनको पुल्लिंग में परिवर्तित करने के लिए इनके पुल स्त्रीलिंग शब्दों के पुल हमें नर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हमें पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग है शब्द मक्खी, तो इससे पूर्व हमें इसको पुल्लिंग में परिवर्तित करने के लिए इसके पूर्व हमें नर जोड़ना पड़ेगा, नर मक्खी, नर मक्खी, नर गिलहरी। तो जो नित स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनको पुल्लिंग शब्द में परिवर्तित करने के लिए हमें उनसे पहले नर जोड़ना पड़ता है, और जो नित पुल्लिंग शब्द है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करने के लिए हमें उनसे पूर्व मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो नित पुल्लिंग शब्द, नित स्त्रीलिंग शब्द आप समझ गए होंगे। अब लिंग की पहचान, आप कैसे पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। सबसे पहले फलों के नाम, सबसे पहले फलों के नाम, फलों के नाम जो है वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आम, केला, अमरूद, सेब आदि। आम, केला, सेब, अमरूद आदि जो फलों के नाम है वो हमेशा कराते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्दों की पहचान है। जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। पर्वतों के नाम दूसरा आता है, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम सदा पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे हिमालय, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्पस पर्वत, तो जो पर्वत के नाम होंगे वो सदैव कूलिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कूलिंग के अंतर्गत। सबसे पहला था फलों के नाम, दूसरा पर्वतों के नाम, तीसरा देशों के नाम। तीसरा देशों के नाम, भारत, चीन, जापान, अमेरिका, ये जो नाम है देश के नाम है ये भी सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। भारत, चीन, जापान, अमेरिका, आदि आदि देशों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फलों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, उसके बाद सागरों के नाम, सागरों के नाम भी सागरों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, देख रहे हैं आप। फलों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, पर्वतों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, सागरों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद रत्नों के नाम, रत्नों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे नीलम, हीरा, मोती, मूंगा आदि। रत्नों के नाम
नीलम, मूंगा आदि रत्नों के नाम भी इसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, जो शरीर के अंग है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंह, हाथ, पैर, सिर, कान आदि। इसके अंतर्गत मुंह, हाथ, पैर, कान आदि शरीर के अंगों के नाम भी इसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है आपका दिनों के नाम। दिनों के नाम है वो भी हमेशा इसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जितने भी दिनों के नाम है इसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। दिनों के नाम इसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत, जिसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि दिनों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, चैत, वैशाख आदि। महीनों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, मार्च, अप्रैल, बैसाख आदि। इसके बाद अनाजों के नाम, अनाजों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके नाम अनाजों के नाम, अनाजों के नाम इसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें गेहूं, जौ, चावल आदि। गेहूं, जौ, चावल, ये सब अनाज है। इन अनाजों के नाम भी इसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये पुल्लिंग, ये लिंग की पहचान, पुल्लिंग के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं मैंने अभी आपको बताया। फलों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, रत्नों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, अनाजों के नाम और महाद्वीपों के नाम। ये नाम, महाद्वीपों के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद स्त्रीलिंग के अंतर्गत, पुल्लिंग की पहचान मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं। सबसे पहला है सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे गोभी, मूली, भिंडी, तोरई, लौकी। मूली, भिंडी, तोरई आदि जो सब्जियां हैं, सब्जियों के नाम है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं।
लौकी भी आता है, मूली, भिंडी, तुरई, लौकी आदि जो सब्जियों के नाम है वो हमेशा इसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मसालों के नाम, मसालों के नाम, मसालों के नाम में हल्दी, लौंग, हल्दी, लौंग, इलायची, सौंफ आदि। स्त्रीलिंग में सब्जियों के नाम आते हैं, मसालों के नाम आते हैं, उसके बाद बेलों के नाम, उसके बाद बेलों के नाम, बेलों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे चमेली, बेला, जूही आदि। बेला, चमेली, जूही आदि जो बेल होती है उनके नाम भी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नदियों के नाम, गंगा, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी आदि नदियों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लिपियों के नाम, जैसे लिपि, देवनागरी लिपि, लिपि तो आप समझते होंगे प्रत्येक भाषा के लिए एक लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, लिपियों के नाम जो है वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। इसमें देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, आदि लिपियों के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला भाषाओं के नाम, लिंग परिवर्तन के नियम बताऊंगा कि कैसे लिंग परिवर्तन किया जाता है। धन्यवाद।